मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं पंजाब पुलिस विच बतौर सब इंस्पैक्टर तैनात हाँ। मेरा इत्थों तक दा संघर्ष जिहड़ा सी मतलब इत्थों तक दा सफ़र कह सकते हैं बड़ा ही संघर्ष वाला सीगा। मैं 10th तक की पढ़ाई जिहड़ी आ पिंड दे स्कूल तो कीती सीगी। 7वीं क्लास विच सीगी जदों मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए सीगे। मेरे फादर साहब आर्मी च सीगे, आर्मी चो रिटायर्ड आए परसन सीगे और कैटेगरी पेंशन आन करके जिहड़ी मदर नू अगे पेंशन लगी वह बहुत घट सीगी। मतलब उस टाइम 2000 मदर नू 1200 रुपये पेंशन लगी सीगी। तो असी 3 भैन भरा पढ़न वाले सीगे। 7th तो बाद मतलब 10th तक की पढ़ाई करन तो बाद +1 +2 मेरी गवर्नमेंट स्कूल तो हुई सीगी। फिर अगे कॉलेज एडमिशन लै लिया। मतलब कॉलेज एडमिशन लैन तो पहला मेरा +2 तो बाद 1 साल का गैप सीगा क्योंकि मेरे मदर अगे मेरी स्टडी नहीं करवा सकते सीगे और पापा की डैथ तो बाद तो वैसे ही सारे साथ छड़ चुके सीगे क्योंकि 1200 रुपये ना तुसी भी जानते हो चलो उस टाइम भी 1200 बहुत घट होंगे सीगे क्योंकि 3 बच्चों की स्टडी और घर का खर्चा चलाना बहुत औखा सीगा उन्ने पैसों में। पर फिर मदर ने सोचा कि चलो मेरी +2 हो गई है जिदा सारे ही कहें है क्योंकि मदर हाउस मेरे मदर हाउस वाइफ सीगे पर वैसे बहुत हिम्मत वाले लेडी है। तो उन्होंने अगे कि बाकियों की स्टडी करवा लेंदे हूँ मेरी मैरिज का फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिता। 1 साल का गैप सीगा तो मैं कंप्यूटर कोर्स कर लिया। मेरे नानकिया ने मेरे को कंप्यूटर कोर्स करवा दिता। तो फिर मेरी एक फ्रेंड सीगी जोड़े मेरे मदर को आए थे जिन्होंने कहा कि तुसी मतलब ये पढ़न च बहुत होशियार हैगी है तुसी मेरे नाले दी एडमिशन करा लो सरकारी कॉलेज विच खर्चा बहुत घट हुंदा। तां क्योंकि मेरी +2 तक मैं हमेशा 1st क्लास पास हुंदी रही हाँ। तो फिर असी गवर्नमेंट कॉलेज जदों एडमिशन लैन मैं अपनी फ्रेंड नाल गई हाँ तो मेरी मदर मेरे नाल कदी किसी कॉलेज जां स्कूल विच एडमिशन करवाउण नहीं गए क्योंकि उन्हां नूं कुछ भी नहीं हुंदा सी। उन्होंने सीगा कि अगर पढ़ना है तो तुसी आप पढ़ सकते हो क्योंकि मदर मेरे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए सीगे बट फिर भी उन्हां दा साथ बहुत सीगा साडे नाल। तो उन्होंने उस टाइम ही जो फैमिली बैकग्राउंड बारे दसिया तो मेरी हाफ फीस होगी उस मतलब उन्होंने मेरी अद्धी फीस करा दिती। तो ग्रैजुएशन मेरी कॉलेज तो होगी। फिर मेरे नाल वाले जो सारे सिगे उन्होंने अगे बी एड विच जां किते होर डिप्लोमा विच एडमिशन लै ली पोस्ट ग्रैजुएशन विच। तो मैं अगे एडमिशन नहीं लै सकती सी तो मेरे प्रोफेसर गुरविंदर प्रोफेसर दिलजीत कौर प्रोफेसर संजीव डोगरा प्रोफेसर नीलम प्रोफेसर कालों तो प्रोफेसर हरमीत कौर जिन्होंने मेरी MA इकनॉमिक्स में एडमिशन कराई अपने मतलब अपने को फीस डिपोजिट करवा के मेरी। जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर सीगा तो पंजाब पुलिस विच कॉन्सटेबल दे फार्म निकले सीगे। मेरे फ्रेंड सर्कल विच मेरे नाल गल की गई कि भर्ती आई हैगी सिपाही रैंक से तो असं भर्ती हो जावे चाहे पल्ले कुछ नहीं सीगा बट मेहनत का जनून बहुत सीगा तो सोचा सीगा कि कुछ वड्डा करना लाइफ विच पर यह नहीं सोचा सीगा कि कभी पुलिस डिपार्टमेंट विच आवांगे। तो उन्होंने कहा कि असं इत्थे फॉर्म फिल करते हैं बट मेरा कोई वधिया रिस्पोंस नहीं सीगा उन्होंने बट चलो उन्होंने अपने नाल मेरे भी फॉर्म फिल कर दिते। जो मेरा ट्रायल का टाइम सीगा दिन सीगा तो मैं ट्रायल दिन हुशियारपुर जाना सीगा तो मेरी मदर ने मदर नूं मैं कहा कि मम्मी मेरे तो नहीं लगता कि मेरे तो ट्रायल क्लीयर होणगे मैनूं नहीं लग रहा है इदा कुछ। तो मम्मी ने कहा कि अगर ट्रायल क्लीयर नहीं होए तो तू घर ना आई। मतलब वो चीज़ मन मतलब स्ट्रैस जहा पै गया उस चीज़ से कि जे घर ना आवागी तो कितने जावगी उस स्ट्रैस में ही मेरे एक्सीलेंट ट्रायल क्लीयर हो गए तो टेस्ट भी क्लीयर हो गया सारा कुछ। एग्जाम क्लीयर होने तो बाद मैं कॉन्सटेबल ज्वाइन कर लिया। फिर मैं अकैडमी विच ही काफ़ी टाइम जॉब की। फिर 2013 विच सब इंस्पैक्टर की भर्ती आई तो मैं फॉर्म फिल किए ट्रायल क्लीयर हो चुके सीगे। फिर मैं जदों जिले जॉब कर रही थी तो साड़ी ड्यूटी 24 आवर्स होंगी है तो इन्ना कोई टाइम नहीं हुंदा कि ड्यूटी विच असी किसी एग्जाम की तैयारी कर पाइए। फिर मेरे DPO देहाती अमृतसर स्टाफ ने बहुत हैल्प की कि ड्यूटी दौरान भी मैं अपनी स्टडी विच ध्यान दे पाई अपनी ड्यूटी भी की। तो फिर मेरा मतलब उस समय दौरान मेरी इन्नी मतलब मेहनत सीगी कि छुट्टियां लेनिया पैनिया मैनू 7 दिन दिया क्योंकि ड्यूटी तो कई बार रात को 8 बज जाते। तो फिर 7 डेज़ में मैं सिर्फ 2 घंटे सौंदी सी रात
2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, 2 ਤੋਂ 4, 2 ਘੰਟੇ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਂਸਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1200 ਰੁਪਿਆ ਮੰਮਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੰਥਲੀ, ਔਰ ਮੰਥਲੀ 1200 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦਹੇਜ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਹੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਕਭੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਭੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ। ਮਨਚਾਇਆ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੰਤਾਨਹੀਨਤਾ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੌਤਨ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਪੰਡਿਤ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ